नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू हुआ, किन चैनलों पर देखा जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वैसे आप जानते ही हैं कि इस समय इंडिया टीम ने अभी हाल ही में श्रीलंका को हराकर और न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में हराकर ये दिखा दिया है कि वो एक बेहतरीन टीम है। और अगर आपको लगता है कि T20 में इंडिया टीम बेटर है या न्यूजीलैंड, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दोस्तों, पहला T20 मैच रांची में खेला जाएगा। आप इसका सीधा प्रसारण 7 बजे DD स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स और हॉट स्टार पर देख सकते हैं। जो भारत की प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरीके से है। सलामी जोड़ी के रूप में आपको पृथ्वी शॉ दिखाई देंगे, जिन्होंने अभी हाल में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और उनके साथ दूसरी ओर होंगे सुमन गिल, जिन्होंने अभी हाल ही में दिखा दिया है कि वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जो पेशेंस के साथ आक्रामक रूप से भी खेल सकते हैं। और वन डाउन करने के लिए इस समय भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज मौजूद रहेंगे ईशान किशन के रूप में। तो इस तरीके से दोस्तों, जो चौथे नंबर पर आएंगे, जो 360 के नाम से जाने जाते हैं, सूर्य कुमार यादव, जो कि T20 के एक स्पेशल बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। फिर आएंगे स्वयं कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने अभी वनडे में T20 में एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था और श्रीलंका को भी T20 सीरीज से जिताई थी। तो दोस्तों, उसके बाद रहेंगे दीपक हुड्डा को आप जानते हैं कि बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में वो दिखाई देते हैं। उनके बाद आएंगे राहुल त्रिपाठी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। उसके बाद फिरकी के जादूगर जाने वाले कुलदीप यादव का नंबर आता है, जो कि अपनी फिरकी का जादू दिखाएंगे। सीम बॉल की जिम्मेदारी संभालेंगे अर्शदीप सिंह, जो कि एक बेहतरीन युवा गेंदबाज हैं और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके सबको अचंभित कर दिया है। और उधर दूसरी ओर श्रीलंका में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले, जिन्होंने श्रीलंका में एक खतरनाक गेंदबाजी की थी, शिवम मावी सीम की जिम्मेदारी निभाएंगे। और तेजी के जादूगर के नाम से जाने वाले स्पीड स्टार उमरान मलिक उसमें सपोर्ट करेंगे। बैकअप के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। और उधर विकेट कीपर बल्लेबाज जीतेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे, और अपनी फिरकी के नाम के लिए मशहूर यजवेंद्र चहल भी कभी भी अपना रूप दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर भी इस टीम में 16 सदस्यीय टीम का हिस्सा है और वो अपनी फिरकी को दिखाएंगे। उधर अगर हम बात करते हैं, मुकेश कुमार को भी इस 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। मैं बात करता हूं न्यूजीलैंड टीम की, तो न्यूजीलैंड टीम की तरफ से वही आपके ओपनर बैट्समैन रहेंगे फिन एलन और डेवन कनवे। इन दोनों की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरेगी, और आपने अभी तक डेवन कनवे को देखा ही होगा कि उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। फिर न्यूजीलैंड की तरफ से वन डाउन पर आएंगे मार्क चैपमैन, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स जिम्मेदारी संभालेंगे, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के एक बेटर ऑलराउंडर जिम्मेदारी संभालेंगे, जिनका नाम है डेरेल मिचेल, जो कि प्लेइंग 11 का हमेशा से हिस्सा रहे हैं। उनके बाद विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाने वाले माइकल ब्रेसवेल जिम्मेदारी को संभालेंगे। उसके बाद स्वयं कप्तान माइकल स्नेटर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, जो कि बेहतर ऑलराउंडर जाने जाते हैं। और स्पिन की जिम्मेदारी होगी ईश सोढ़ी पर, और इधर सीम की जिम्मेदारी आएंगे ब्लेयर टिकनेर, इसकी जिम्मेदारी को संभालेंगे। ब्लेयर टिकनेर के साथ देने के लिए आएंगे लॉकी फर्ग्यूसन, हेनरी शिपले और बेन लिस्टर। तो ये रही न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 एंड 16 सदस्यीय टीम। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, या आपको लगता है कि दोनों टीमों से कौन सी टीम एक दूसरे पर T20 में भारी पड़ेगी, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।